सीधे और मैं हिलरी सादिया के पास क्लिंटन क्या चलता हूं। हदीस हो गई, हिलरी सादिया, क्लिंटन ने क्या क्या किया था अगर हमारी हिलरी स्ट्रेटेजी क्लिंटन ने अगर डिफीट क्या किया को तो जापान चेरिश फट कर गया। रहे हैं अब्दुल समद याकूब साहब, कितने दिन चेरिश कर तो पाएंगे इनको बता दीजिए, उसी तरह से कितने दिन चेरिश है। चेरिश कर देखिए पाएंगे मुझे याकूब साहब, मुझे बता मुझे दीजिए इनको। मुझे आप अब्दुल समद साहब, आपसे कम से कम एक याकूब साहब इंसानी आपने तौर बोला पर, एक मिनट, अखलाकी शाजिया तौर की बात पर सुनने में कम फिर से आ कम जाऊंगा, मेरा मुझे शो तो 1.5 घंटे का तवक्को रहता है, कर सबको सकती खुल के हो। मौका देता हूं मैं। समद साहब, कम से कम इंसानी और अखलाकी तौर पर मैं आपसे ये तो तवक्को कर सकती हूँ कि आप हक की बात बोलेंगे, सच्चाई की बात बोलेंगे, और कम से कम आप ऐसी बात जो आपका आईन और मेरा आईन कहता है उसके मुताबिक बोलेंगे। अगर आपका जमीर इतना ज्यादा बिक चुका है कि आप और आप इतने दिवालियापन पर आ गए हैं कि आपको तालिबान के अलग अलग जो वो है फिरके हैं उनको सपोर्ट करना पड़ रहा है, जैश ए मोहम्मद के आगे आप हाथ जोड़े फिर रहे हैं और आप लश्कर को सपोर्ट कर रहे हैं और आपने मिलिशिया पहुंचा दिया है और आपने बाकायदा एयर स्पेस से मदद की है इन लोगों को लाने के लिए, जिसकी वजह से औरतें बच्चे आम लोग परेशान हैं, तो आपको लगता है कि आप किस मुंह से बात करेंगे, किस मुंह से आप जवाब देंगे? आप अपने ही पत्रकार बहन का जो आपके चैनल पर बैठी है, जो इस चैनल पर बैठी है, और करोड़ों बहनों का और इंसानों का जो आपसे सवाल पूछेंगे, आप इंसानियत के हक में तो होंगे ना भाई साहब? आप कुरान की तो बात छोड़ दीजिए, कुरान से तो आप बहुत दूर हैं, पर आपका अपना आईन, आपकी अपनी इंसानियत, आप उसके बारे में तो कुछ कहेंगे? अखलाकी तौर पर आप बाप बर्दाश्त कर सकते हैं जो हो रहा है? आपकी भी बेटियां होंगी ना, आप बाप के लिए मैं आप जवाब दूंगा इसका। आप भी मोहब्बत करते होंगे ना बच्चियों से, अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से। जी जी आप जानते हैं जी लाहौर में क्या हुआ? और जब जब इमरान खान ये कहेंगे कि गुलामी खत्म हो गई है और ये वक्त आ गया है, ये स्वतंत्रता सेनानी है, ये जो है बाकायदा एक तहरीर चला रहे हैं गुलामी के खिलाफ, आपको अच्छा लग रहा है सुनकर ये? आपको आपको घिन नहीं आ रही है किस तरह के लीडर हैं जिसको आपको सपोर्ट करना पड़ रहा है? मुझे लगता है पूरी की पूरी पाकिस्तानी आवाम को सड़कों पे होना चाहिए इमरान खान के इस बयान के खिलाफ। ये इतनी मतलब मुझे पेशावर में आपके ही बच्चों के साथ, जिनके लिए हम सब लोग रोए हैं, दिल बच्चे बच्चे होते हैं, औरतें औरतें होती हैं, ना हिंदू ना मुस्लिम, ना नॉर्दर्न अलायंस की, ना पश्तून की, ना जैश ए मोहम्मद की सपोर्ट की, ना इस फिरके की ना उस फिरके की। इज्जत सबकी शाजिया जी आप होती है, बात कर ले, मैं इसका आप खुद जवाब देता हूं। सोचेंगे। मैं और जवाब आप अब्दुल इसका समद याकूब साहब, ये पॉलिसी क्यों है, और आप ये ये क्या पॉलिसी कहते क्यों हैं? है चीन और पाकिस्तान की? सुनिए मेरा सवाल, सुनिए नहीं आप अब्दुल मुझे समद याकूब रिस्पॉन्ड साहब, करने दे, शाजिया देखिए की मुझे बात पर रिस्पॉन्ड मेरा करने एक दे। सवाल सुनिए, मेरा सवाल बड़ा सीधा है, दीपक जी मैं मेरा रिस्पॉन्ड सवाल करूं, बड़ा सीधा है, मेरा सवाल सुन लीजिए, रिस्पॉन्ड करिए, मैं पूरा मौका चीन दूंगा में आपको, प्रोफाइलिंग हो मैं रही है पूरा सब मौका कुछ। दूंगा आपको, मैं पूरा मौका दूंगा, मेरा सवाल सुन लीजिए आप सिर्फ। दहशतगर्दी, चीन दहशतगर्दी कर रहा है मुसलमानों की, आपकी पॉलिसी सिंधवा ये क्यों प्रोविंस है, में, हम और दो आप मतलब ताली बजा रहे पाकिस्तान हैं और चाइना, हम और दो, यहाँ पर हमारे अल्लाह कर रहे 45 हैं। उनके हाथ में AK-47, आपकी पॉलिसी ये क्यों है बताइए। दीपक जी सबसे पहले तो मैं रिस्पॉन्ड कर दूं, जब बात आती है अखलाकियात की, बात आती है ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी की, तो आप एक बात जो मेरे मेरे जो आंसू हैं या मेरा दिल डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि अगर अफगानिस्तान के बच्चे ड्रोन अटैक्स में मारे जाते थे, जब हम कहते थे मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, जब अमेरिका ने पूरे ये 9/11 के बाद 8 लाख लोगों को मारा, आप वहां पे क्यों नहीं रोए, वहां पे तो किसी ने भैया भी अपने आंसू क्यों अपने देखे नहीं है, अपने लेकिन एयरपोर्ट से क्यों मुझे उनके बोलने प्लेन उड़ा दे, के बम मुझे गिरवा रहे थे बोलने दे, भाई, बताइए ना, इराक के बच्चे और आपके पैसे ले लेते आप अमेरिका इराक से, के बच्चे नहीं है, अपने एयरपोर्ट से लीबिया क्यों के प्लेन बच्चे आपके नहीं चलवाकर है, तालिबानियों पर बम गिरवा रहे थे अफगानिस्तान में, बताइए ना। लीबिया वालों पे आपकी आवाज नहीं उठी, अरे जब मुझे तालिबान बताइए है, ना, आप ही के जब लीबिया एयरपोर्ट की से तो रेजीम प्लेन उड़ते चेंज थे हुई। अमेरिका नहीं के, नहीं दीपक जी साहब, फिफ्टी टू दीपक साहब बॉम्बर, आप फिर आप ही एक वो ना बन जाएगा ना, मेरी अब बात सुने, लीबिया पर चले शाजिया गए जी आप, शाजिया मेरा अब शाजिया जी लीबिया से पर चले सवाल गए, है, बताइए शाजिया जी ना, क्या उसको आपको आपकी दुख जमीन नहीं का पड़ता, इस्तेमाल अमेरिका ने वॉर ऑन आप टेरर मुझसे सवाल अफगानिस्तान के पूछो, अगेंस्ट किया या नहीं किया? हमने आपने किया, हमने मिलियन ऑफ किया, डॉलर, हमारा बिलियन ऑफ ब्लड अटैक, डॉलर हमने अमेरिका क्यों से किया, कमाए कि नहीं कमाए, सैनिक हमने बेसेस क्यों देने के किया, नाम पर अच्छा अब दूसरा अच्छा लगा लाप रहे हैं आप आप। देखें अब सुन ले मुझे, हमने क्यों किया, क्योंकि क्योंकि अब अमेरिका एक्सपोज गया हो था गए तो यूएन की, अच्छा नहीं आप अब बोलने आप नहीं लगेंगे बोलने हमने देंगे, क्यों अब एक किया? एग्जाम्पल ले लें।